क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है कपास फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें या परिचय की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या होता है, कपास, या इसको कॉटन बोल देते हैं। बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है तो ये होता है गॉसिपियम स्पीसीज। अब स्पीसीज जो है वो कई सारी होती हैं, इसकी कौन कौन सी हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो जीनस या वंश है वो कौन सा है, गॉसिपियम। इसकी फैमिली या कुल आपसे पूछा जा सकता है तो ये है मालवेसी। अब इसकी जातियां व गुणसूत्र संख्या, स्पीसीज एंड क्रोमोसोम नंबर्स हम लोग बात करेंगे। तो जो कॉटन या कपास है इसकी टोटल 50 स्पीसीज होती हैं, टोटल कितनी है, 50 जातियां होती हैं। इन 50 में से जो 46 स्पीसीज हैं या 46 जातियां हैं वो कैसी होती हैं भी, जंगली या वाइल्ड होती हैं, और बची हुई जो चार स्पीसीज हैं या चार जातियां हैं वो कैसी होती हैं, कल्टीवेटेड या कृषि होती हैं, यानी हम लोग उसकी खेती करते हैं। तो ये कल्टीवेटेड स्पीसीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली स्पीसीज जो है, कल्टीवेटेड स्पीसीज जो है वो है गॉसिपियम हर्बेसियम। इसको सामान्य भाषा के अंदर या इसका कॉमन नेम क्या है भाई, उपम कॉटन के नाम से भी इसको जाना जाता है। गुणसूत्र संख्या इसके अंदर डिप्लॉयड या द्विगुणित होती है, 26 या 26 गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं, ठीक है। दूसरी स्पीसीज है गॉसिपियम आर्बोरिटम। ये जो स्पीसीज या जाति है इसको बोलते हैं करुंगनी कॉटन, इसका कॉमन नेम है या इसका सामान्य नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी डिप्लॉयड स्पीसीज है, द्विगुणित है, गुणसूत्र संख्या इसके अंदर 26 या 26 होती है। अब ये जो पहली दो स्पीसीज हैं इनको हम लोग बोलते हैं एशियाटिक कॉटन, क्योंकि इन दोनों स्पीसीज की जो खेती है या कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, एशिया के अंदर किया जाता है, इसलिए इसको एशियाटिक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, पॉपुलर नेम है इसका। एशिया जो है इसको ओल्ड वर्ल्ड मानते हैं, है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो स्पीसीज जो है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। इसके अलावा इन दोनों स्पीसीज को हम लोग देसी कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद थर्ड स्पीसीज इसकी आती है गॉसिपियम हिरसूटम। इसको सामान्य भाषा के अंदर या इसका कॉमन नेम क्या है, अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो ये टेट्राप्लॉइड या चतुष्गुणित स्पीसीज है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 52 या 52 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पीसीज है गॉसिपियम बारबिडेंस। इसको सामान्य भाषा के अंदर या इसका कॉमन नेम क्या है भी, इजिप्शियन कॉटन या सी आइलैंड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी टेट्राप्लॉइड है, चतुर्गुणित है, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 52 हैं, 52 हैं। अब ये लास्ट जो दो स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं इनको हम लोग कॉमन भाषा में अमेरिकन कॉटन भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर अमेरिका जो है इसको हम लोग क्या मानते हैं भाई, न्यू वर्ल्ड मानते हैं, तो इसलिए हम इसे न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इसको एग्जॉटिक कॉटन भी कहा जाता है। एग्जॉटिक क्यों बोलते हैं अभी, क्योंकि किसी दूसरी कंट्री से हम लोग इसको इम्पोर्ट किया था, हमने इसका आयात किया था, तो ये बाहर से आई हुई है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एग्जॉटिक कॉटन, ठीक है। इस टेबल को याद कर लेना, इस टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो अमेरिकन कपास है यानी कि जो अमेरिकन कॉटन है, ये वाली जो लास्ट दो स्पीसीज हैं, इसका जो कल्टीवेशन है वो वर्ल्ड के 80% एरिया में किया जाता है, है ना, विश्व की 80% जो क्षेत्रफल है उसमें अमेरिकन कॉटन की खेती या उसका कल्टीवेशन किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके बाद सेंटर ऑफ रीजन पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अलग अलग स्पीसीज का जो सेंटर ऑफ रीजन है या उत्पत्ति केंद्र है वो अलग अलग होता है। जैसे गॉसिपियम हर्बेसियम का सेंटर ऑफ रीजन क्या है, अफ्रीका। गॉसिपियम आर्बोरिटम जो है इसका है इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। गॉसिपियम हिरसूटम इसका है सेंट्रल अमेरिका, इसीलिए इसको अमेरिकन कॉटन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है गॉसिपियम बारबिडेंस, इसका है पेरू, ठीक है, ये भी अमेरिकन जो कंटिनेंट है या महाद्वीप है उसी में आता है, पेरू जो है वो एक कंट्री है। तो ये अलग अलग सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति केंद्र हैं अलग अलग स्पीसीज के लिए। तो इस टेबल को भी आपको ध्यान में रखना है, किसी भी स्पीसीज का या जाति का आपसे सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछा जा सकता है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी कॉटन।
अब जो देसी कपास है, यानी कि जो पहली दो स्पीसीज मैंने आपको बताई थी, एक तो बताई थी गॉसिपियम हर्बेसियम और दूसरी बताई थी गॉसिपियम आर्बोरिटम, ये दोनों की दोनों जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं या कृषि जातियां हैं, इनको क्या बोलते हैं, देसी कॉटन या देसी कपास। इनकी जो उत्पत्ति है या इनका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका की एक जंगली जाति से, है ना, अफ्रीका के अंदर कपास की एक जंगली जाति है, वाइल्ड स्पीसीज है, जिसका नाम है गॉसिपियम एफ्रिकेन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस गॉसिपियम एफ्रिकेनम से ही इन दोनों जातियों का ओरिजिन हुई है या इनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गॉसिपियम एफ्रिकेनम क्या है, अफ्रीका की रेशेदार जंगली जाति है, ठीक है, फाइब्रस वाइल्ड स्पीसीज है कपास की, जो कि अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। इससे दो कॉटन स्पीसीज का या कपास की जातियों का ओरिजिन हुआ है, एक तो है गॉसिपियम हर्बेसियम और दूसरा है गॉसिपियम आर्बोरिटम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देसी कपास की दोनों जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन जो है वो कौन सी, अफ्रीका की कौन सी जाति से हुआ है, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी अनुवंशिक विकास की या जेनेटिक इवोल्यूशन की। तो जेनेटिकली जो अमेरिकन कपास है उसका जो निर्माण है वो किस तरह से किया गया वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो कपास की जातियां हैं वो कैसी होती हैं भी, डिप्लॉइड होती हैं या द्विगुणित होती हैं। जबकि हमने देखा कि जो अमेरिकन कपास है या अमेरिकन कॉटन है उसकी स्पीसीज कैसी हैं, चतुर्गुणित हैं या टेट्राप्लॉइड है। तो फिर उन टेट्राप्लॉइड स्पीसीज को कैसे बनाया गया, वही कहलाता है इनका जेनेटिक इवोल्यूशन या अनुवंशिक विकास। तो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज के निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं अभी, दो डिप्लॉइड स्पीसीज के मध्य या द्विगुणित जातियों के मध्य क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जातियों में क्रॉस करवाना है हमें, कॉटन की हमें क्या करना है, एक कल्टीवेटेड स्पीसीज लेनी है, एक कृष्य जाति लेनी है जिसका नाम है गॉसिपियम हर्बेसियम। इसका हम लोग संकरण करवाएंगे या हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे किसके साथ, एक जंगली जाति के साथ, और उसका नाम क्या है, गॉसिपियम रेमोंडाई। तो इन दोनों जातियों के मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक द्विगुणित पौधा प्राप्त होता है, एक डिप्लॉइड प्लांट मिलता है, जो कैसा होता है अभी, बंध्य या स्टेराइल होता है। इसका मतलब ये जनन करने में सक्षम नहीं होता। अब ये जो द्विगुणित बंध्य पौधा है या डिप्लॉइड स्टेराइल प्लांट है, इसको हम लोग एक रसायन से उपचारित करते हैं, और उस रसायन का नाम क्या है अभी, कोल्चिसिन। और कोल्चिसिन क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना कर देता है। अब ये जो बंध्य पौधा था या स्टेराइल प्लांट था, ये कैसा था पहले, द्विगुणित था। जब हमने इसको कोल्चिसिन रसायन से उपचारित किया तो ये किस में परिवर्तित हो गया, चतुर्गुणित, यानी टेट्राप्लॉइड हो गया ये। और टेट्राप्लॉइड होते ही ये कैसा हो गया, स्टेराइल या उर्वर हो गया। इसका मतलब ये पौधा जो है वो जनन करने में सक्षम है, रिप्रोडक्शन करने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में ये सक्षम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो टेट्राप्लॉइड फर्टाइल प्लांट डेवलप किया है या चतुर्गुणित उर्वर पौधा बनाया है, इसको फिर हमने एक स्पीसीज का नाम दे दिया, एक जाति का नाम दे दिया, और उसका नाम क्या पड़ा, गॉसिपियम हिर्सुटम स्पीसीज। और इस गॉसिपियम हिर्सुटम स्पीसीज की जो खेती है या इसका जो कल्टीवेशन है वो वर्ल्ड के 80% एरिया में, विश्व के 80% क्षेत्रफल के अंदर किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसी स्पीसीज की जो खेती है या कल्टीवेशन है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस फ्लो चार्ट से आप लोग देख सकते हो भी, गॉसिपियम हर्बेसियम इसके अंदर ये डिप्लॉइड स्पीसीज है, गुणसूत्र संख्या कितनी है अभी, 26 26, जिनोम इसका कैपिटल ए से हमने शो किया है। इसका क्रॉस करवाएंगे वाइल्ड स्पीसीज के साथ या जंगली जाति के साथ, इसका नाम क्या है, गॉसिपियम रेमोंडाई। गुणसूत्र संख्या कितनी है, डिप्लॉइड है, 26 है इसके अंदर भी, लेकिन इसका जो जीनोटाइप है वो अलग है, कैपिटल डी है। तो सबसे पहले क्या होगा भी, इनसे गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक कैसे होते हैं भी, हैप्लॉइड या एगुणित होते हैं। तो जब एगुणित हैप्लॉइड बनेगा तो उसके अंदर गुणसूत्र कितने होंगे, 13 हो जाएंगे, 13 आधे रह जाएंगे, और एक जो एलिल है या एक जो जीन है वो यहाँ पे आ जाता है, कैपिटल ए यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से रेमोंडाई के अंदर भी जब गैमेट्स बनेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाएंगे गैमेट में, 13 13, और एक ही एलील या एक ही जीन्स के अंदर आएगा वो होगा कैपिटल डी। अब इन दोनों का हमने, दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से क्या बनेगा अभी, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर एक पौधा विकसित होगा, है ना।
लेकिन ये जो पौधा है, ये जो हाइब्रिड पौधा या संकर पौधा बनेगा, ये कैसा होगा? स्टेराइल या बंधे होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जनन करने में, लैंगिक जनन करने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होगा। हाँ, गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर 26 जरूर हो जाती है, ये डिप्लॉइड जरूर है, लेकिन फिर भी ये जनन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो दोनों के दोनों जीनोम है वो अलग अलग स्पीसीज से आए हुए हैं। एक तो कैपिटल ए है, एक कैपिटल डी है, तो इसका मतलब ये दोनों जीनोम आपस में होमोलोगस या समजात नहीं है। जब तक होमोलोगस नहीं होंगे तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे भी, इसको कोल्चिसिन रसायन से ट्रीट करवाएंगे, उपचारित करवाएंगे, और हम लोग एक फर्टाइल हाइब्रिड बनाएंगे, टेट्राप्लॉइड होगा, जो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाएगी, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, गॉसिपियम हिरसुटम। देखो 2x से क्या हो गया, 4x हो गया, और 26 से क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। अब देखो जो कैपिटल ए था इसका भी डबल हो जाएगा और कैपिटल डी का भी डबल हो जाएगा, तो इसका जीन प्रारूप क्या हो गया, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल डी कैपिटल डी, और ये कैसा होगा, फर्टाइल या उर्वर होगा। इसका मतलब अब ये लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप कैपिटल ए कैपिटल ए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर्स समजात गुणसूत्र युग्म जो हैं वो उपस्थित हैं। कैपिटल डी ये भी एक होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर है, तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये फर्टाइल है या उर्वर है। तो इस तरह से हम लोग जेनेटिकली बनाते हैं गॉसिपियम हिरसुटम को क्रॉस के द्वारा। और जेनेटिक इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के अंदर, कॉटन के जेनेटिक इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से कर लेना भी। उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे फ्लोरल बायोलॉजी की। तो पुष्पीय बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए कि कॉटन की जो जंगली जातियाँ होती हैं या वाइल्ड स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुवर्षीय होती हैं या पेरिनियल होती हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा वर्ष लेती हैं अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए या जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। और इनकी जो प्लांट हाइट है या पादप की ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है, 5 से 6 मीटर तक चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना, वाइल्ड स्पीसीज बहुत ज़्यादा इनकी हाइट जो है वो होती है। जबकि जो कृषि जातियाँ हैं कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं वो कैसी होती हैं, हमें पता है एक वर्षीय होती हैं या एनुअल होती हैं। इसका मतलब एक वर्ष के अंदर अंदर ही इनका जो लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है वो पूर्ण हो जाता है। इनकी प्लांट हाइट या पादप ऊंचाई जो है वो 75 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है, लगभग 1 से 2 फीट तक, 75 से 200 सेंटीमीटर तक इनकी जो हाइट है वो हो सकती है। ठीक है, 1 फीट के अंदर लगभग होते हैं 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में लगभग मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 2 मीटर तक, लगभग 1.25 मीटर से लेके 2 मीटर तक इनकी जो हाइट है पादप की प्लांट की हो सकती है। तो ये हमें पता ही है, हम लोग कॉटन की फसल उगाते हैं तो उनकी हाइट जो है वो 2 फीट तक, 2 मीटर तक सॉरी मैक्सिमम जो है वो जा सकती है। अब कपास के अंदर जो फ्लावरिंग होती है या पुष्पन होता है वो किस प्रकार का होता है भी, इसमें सॉलिटरी फ्लावर होता है, एकल पुष्प होता है, जो कि कैसा होता है, एक्सिलरी होता है या कक्षस्थ होता है। तो कहाँ पर उत्पन्न होता है, ये पर्ण के कक्ष में, लीफ के एक्सिस में डेवलप होता है। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये इसका मेन स्टेम या मुख्य तना है, और इस प्रकार इसके ऊपर ये लीफ जो है या पर्ण जो है इसकी लगी हुई है, और इसके कक्ष से या इसके एक्सिस से एक फ्लावर या पुष्प जो है सॉलिटरी या एकल रूप से विकसित हुआ है। तो ये है कॉटन फ्लावरिंग या कपास में पुष्पन। तो ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल है नहीं। अब हम अपने जो फ्लावर है उसके करेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो पुष्प है उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो फ्लावर कैसा होता है भाई, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है, इसका मतलब मेल और फीमेल पार्ट यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों के दोनों एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा पुष्प कैसा होता है भाई, व्रंतीय होता है या पेडिसिलेट होता है, तो एक व्रंत के द्वारा या पेडिसल के द्वारा ये पर्ण के कक्ष से या एक्सिस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सममिति की बात करें तो इसकी सममिति होती है त्रिज्यात सममित, है ना। इससे पहले हमने तिल या सिसेम किया था, उसमें भी यही सममिति थी, त्रिजात सममिति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसका क्या मतलब है, जो फ्लावर है या पुष्प है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तल या प्लेन्स होते हैं जहाँ से अगर हम फ्लावर को काटते हैं
तो जो फ्लावर या पुष्प है वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर या दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो इस प्रकार की जो सममिति है क्या कहलाती है? त्रिज्यात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ये तीन करेक्टर्स हैं जो फ्लावर के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपने फ्लावर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के अंदर? तो पुष्प में सबसे बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है भाई? सहपत्रिकाएं, है ना, या इनको बोल देते हैं ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्टियोल्स जो है वो कॉटन के अंदर या कपास के पुष्प में कितनी होती हैं? अभी तीन होती हैं। तो तीन सहपत्रिकाओं का एक चक्र होता है या तीन ब्रैक्टियोल्स का एक वर्ल्ड होता है, और इस वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि एपिकैलिक्स क्या होता है, तो ये आप लोग बता सकते हो। और एपिकैलिक्स का पाया जाना मालवेसी कुल जो होता है उसका लाक्षणिक गुण है। इसका क्या मतलब है कि मालवेसी कुल के अंदर जितने भी पौधे आएंगे या जितने भी स्पीसीज या जातियां आती हैं उन सभी में एपिकैलिक्स पाया जाता है। ठीक है, आपने एक पौधे का नाम सुना होगा गुड़हल, है ना, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है गुड़हल, या उसको चाइना रोज भी बोल देते हैं। तो उसके अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है, वो भी मालवेसी का पौधा है। तो ये एक लाक्षणिक गुण है या करैक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का। एपिकैलिक्स के अंदर की तरफ क्या होता है भाई? कैलिक्स होते हैं, या उनको क्या बोल देते हैं? बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज जो है उसमें कितने बाह्य दल या सेपल्स होते हैं भाई? पांच होते हैं। तो पांच सेपल्स या बाह्य दल हैं, ये कितने कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग के, ग्रीन कलर के होते हैं हमेशा, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं या फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। और इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? गैमोसेपल्स या संयुक्त बाह्य दल ही बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेपल्स या बाह्य दलों के अंदर की तरफ क्या होता है भी? दल होते हैं। तो दलों का जो चक्र है वो क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है, या उसको हिंदी में बोल देते हैं दल पुंज। तो कितने दल होते हैं दल पुंज के अंदर, या कितने पेटल्स होते हैं कोरोला के अंदर? पांच होते हैं। और ये पांच के पांच पेटल्स या दल क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं या फ्री रहते हैं, इसका मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, इनका जो रंग या कलर है वो डिपेंड करता है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ। निषेचन से पहले यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी अनिषेचित जो पुष्प होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड जो फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर जो दल हैं उनका रंग क्या होता है अभी पेटल्स का? हल्का पीला होता है या क्रीम रंग का होता है। ठीक है, लाइट येलो और क्रीम कलर जो है पेटल्स का होता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है उस पुष्प के अंदर, तो दलों का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, और फिर दल कैसे हो जाएंगे भी? गुलाबी रंग के हो जाएंगे, पिंक कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कलर आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो फ्लावर है वो उसमें निषेचन हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद दलों के अंदर की तरफ क्या होता है भी? एंड्रोइशियम होता है, या उसको बोल देते हैं पुमंग, यानी कि जिसको नर जनन भाग भी बोलते हैं। तो पुमंग जो है वो क्या होता है? पुंकेसरों का एक चक्र होता है। तो कितने पुंकेसर या स्टामेंस होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 100 से लेके 150 तक होते हैं, या इसको बोल दे सकते हैं इन्फिनिटिव, या असंख्य स्टामेंस या पुंकेसर। और जितने भी पुंकेसर हैं या स्टामेंस हैं उनके पुतंतु या फिलामेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और अंडप के चारों ओर यानी कि जो कार्पल होता है उसके चारों ओर जो है एक ट्यूब का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? स्टैमिनल ट्यूब या पुंकेसरी नाल बोल देते हैं इसको, या पुंकेसरी ट्यूब भी कह सकते हैं। अब ये जो ट्यूब बन गई है, इस ट्यूब के बाहरी सतह पर, इस ट्यूब की बाहरी सरफेस के ऊपर चारों ओर असंख्य यानी कि इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव कितने हैं अभी? 100 से लेके 150 तक हो सकते हैं। इनकी शेप क्या होती है? वृक्काकार पराकोष जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वृक्काकार पराकोष या किडनी शेप्ड एंथर्स या रेनिफॉर्म एंथर्स कौन सी क्रॉप में या कौन सी फसल में पाए जाते हैं? कॉटन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसका लाक्षणिक गुण है या करैक्टरिस्टिक फीचर है। और इस प्रकार के जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? एक संघी पुंकेसर या मोनोडेल्फस स्टामेंस। और मोनोडेल्फस स्टामेंस या एक संघी पुंकेसरों का पाया जाना मालवेसी कुल का लाक्षणिक गुण है। और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आया हुआ है अभी पिछले सालों के अंदर, अगर अपने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो उसमें ये पूछा हुआ है कि एक संघी पुंकेसर निम्न में से कौन से पौधे में होते हैं। तो उसमें चार ऑप्शन दिए होंगे आपको,
उसमें से एक कपास होगा और तीन ऑप्शन कोई और हो सकते हैं, तो उसमें से आंसर क्या आएगा, कपास। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आगे भी आने के चांसेस रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो मालवेसी कुल का लाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, मतलब मालवेसी के अंदर जितने भी जनरा या जीनस या वंश आएंगे उन सभी में इस तरह की कंडीशन जो है वो पाई जाती है। इसको डायग्राम से देख लेते हैं अभी। तो इसमें मैंने बताया क्या था आपको, अंडप या कार्पल्स के चारों ओर एक ट्यूब का निर्माण होता है ना, इसको क्या बोल देते हैं, पुंकेसरी नाल या स्टैमिनल ट्यूब बोल देते हैं। और इस ट्यूब पर क्या लगे रहते हैं, पुंकेसर या स्टामेंस जो है वो लगे रहते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। इसको अपने फ्लोरल डायग्राम के अंदर भी देखेंगे डिटेल के अंदर। और ये है इसका पुष्पासन या थैलेमस, और ये पुष्पवंत या पेडिसल हो जाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है अभी, एक संघी पुंकेसर, मोनोडेल्फस स्टामेंस, यानी जो पुंकेसर या स्टामेंस हैं वो एक संग का निर्माण करते हैं या एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, एक संघी पुंकेसर या मोनोडेल्फस स्टामेंस। चलिए उसके बाद फेस के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, वे गायनोशियम होता है, या उसको बोल देते हैं जायांग। तो जायांग या गायनोशियम जो है उसके अंदर कितने कार्पल्स या अंडप होते हैं, तो 3 से 5 अंडप होते हैं या कार्पल्स होते हैं, और ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, संयुक्त अंडप, है ना, संयुक्त यानी सिन कार्पस कंडीशन होती है। और कोष्ठक आपसे पूछा जा सकता है कितने कोष्ठक होते हैं, 3 से 5 ही इसके अंदर कोष्ठक होते हैं या लोक्यूल्स होते हैं। और अंडपों के अंदर या कार्पल्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने बीजांड होते हैं, तो 6 से 9 बीजांड इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और जो स्तंभीय बीजांडन्यास के अंदर यानी एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर लगे हुए रहते हैं, यानी कि मेन एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर जो ओव्यूल्स या बीजांड हैं वो जुड़े हुए रहेंगे या लगे हुए रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार की कंडीशन तिल के अंदर या सेसेम के अंदर भी थी, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसके फ्लोरल डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी, ये है इसका मातृ अक्ष या मदर एक्सिस। तो इस अक्ष पर जो फ्लावर है या पुष्प है वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, एपिकैलिक्स होता है। तो एपिकैलिक्स में 3 ब्रैक्टियोल्स या 3 सहपत्रिकाएं आपस में मिलकर एक चक्र का निर्माण करती है। तो आप लोग देख सकते हो, एक सहपत्रिका या ब्रैक्टियोल ये है, दूसरी ब्रैक्टियोल ये रही, तीसरी ब्रैक्टियोल ये रही, तो 3 ब्रैक्टियोल्स हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, एपिकैलिक्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सहपत्र या ब्रैक्ट भी होता है जो कि बाहर की तरफ उपस्थित होता है, तो वो यहाँ पे आपको नोट किया हुआ है। चलिए उसके बाद फिर मेन पार्ट्स की बात करते हैं अपने। एपिकैलिक्स के अंदर की तरफ क्या होता है भाई, कैलिक्स होता है यानी बाह्य दलपुंज होता है। तो बाह्य दलपुंज या कैलिक्स के अंदर कितने बाह्य दल होते हैं या कितने सेपल्स होते हैं भाई, 5 सेपल्स होते हैं। तो आप लोग काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं या फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो गैमोसेपलस कंडीशन है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे होते हैं ये, हरे रंग के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं। चलिए बाह्य दलों के अंदर की तरफ क्या होता है, अभी दल होते हैं। तो दलों का जो चक्र है वो क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है, या उसको बोल देते हैं कोरोला। तो दल या पेटल्स जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 पेटल्स या दल हैं। चलिए दलों के अंदर की तरफ क्या होता है भी, स्टामेंस होते हैं या पुंकेसर होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो पुंकेसर हैं वो क्या करते हैं भाई, एक नाल का निर्माण करते हैं चारों ओर, किसके चारों ओर, अंडपों के चारों ओर या कार्पल्स के चारों ओर। और इस नाल को क्या बोल देते हैं, पुंकेसरी नाल या स्टैमिनल ट्यूब बोल देते हैं। और इस स्टैमिनल ट्यूब के ऊपर फिर इस तरह से चारों ओर जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर हैं वो जुड़े हुए रहते हैं अपने स्टॉक के द्वारा या अपने व्रंथ के द्वारा, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है इसके अंदर। और पुंकेसरों का जो चक्र है या वर्ल्ड है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम या पुमंग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे सेंटर में या केंद्र में क्या होता है, अभी अंडप होते हैं या कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स मैंने आपको बता दिया 3 से 5 होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 अंडप शो किए हुए हैं और 5 ही लोक्यूल्स या कोष्ठक बन रहे हैं जिसके अंदर बीजांड या ओव्यूल हैं। देख सकते हो आप, बिल्कुल सेंटर में लगे हुए हैं, सेंट्रल एक्सिस पर या केंद्रीय अक्ष पर बीजांड लगे हुए हैं। और इस तरह का जो प्लासेंटेशन है या बीजांडनाश है वो क्या कहलाता है, एक्साइल प्लासेंटेशन या
स्तंभीय बीजाणु न्यास। तो ये है अभी फ्लोरल डायग्राम, जो कॉटन फ्लावर है या कपास का पुष्प है उसका। उसके बाद पॉलिनेशन या परागण की बात करते हैं। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो कपास है वो कैसी है, अभी स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें 70% स्वपरागण होता है, ठीक है, और 30% तक जो है वो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कॉटन की हम लोग बात करते हैं, तो उसके अंदर जो फ्लावर है वो 10 से 12 बजे के मध्य ओपन होते हैं या खुलते हैं। जबकि देसी कपास की अगर अपने बात कर लें, देसी कॉटन की बात कर लें, तो उसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो सुबह 8 से 10 बजे के मध्य जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। सुबह 8 से 10 के मध्य, और इसमें 10 से 12 बजे के मध्य जो है वो फ्लावर्स जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो कि डिफरेंस है अमेरिकन कॉटन और देसी कॉटन के अंदर। कपास के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या परागकण होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं या भारी होते हैं, इसी वजह से जो पर परागण है उसका प्रतिशत कम रहता है। तो पर परागण किसके द्वारा कराया जाएगा, अभी कीटों के द्वारा कराया जाएगा, हवा के द्वारा या वायु के द्वारा पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि परागकण कैसे हैं, भारी हैं या हैवी हैं। इसीलिए इनमें ज़्यादातर क्या होता है, अभी 70% तक स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कितने टाइम के लिए वायबल रहते हैं या जीवित रहते हैं भाई, तो 12 घंटे के लिए, 12 आवर्स के लिए क्या रहेंगे, ये जीवित रहेंगे, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। फ्रूट की बात कर लेते हैं, तो कॉटन के अंदर किस टाइप का फ्रूट होता है, भाई कैप्सूल होता है। सेम या तिल में भी कैप्सूल ही था और यहाँ पर भी कैप्सूल ही है, लेकिन कॉटन में इस कैप्सूल फ्रूट को क्या कहा जाता है, बॉल कहा जाता है ना, कॉमन भाषा के अंदर या सामान्य भाषा के अंदर, तो उसको बॉल कहते हैं। इसकी जो बाह्य फल भित्ति होती है इस बॉल की, या जो एपिकार्प होती है, वो कैसी होती है, चमड़े के समान होती है। आपने देखा होगा टिंडा है ना कपास का, उसकी बाह्य फल भित्ति या एपिकार्प चमड़े के समान होती है, बिल्कुल होती है। बॉल जो है वो, उनकी शेप जो है वो तीन प्रकार की हो सकती है, या आकृति जो है वो तीन प्रकार की हो सकती है, जैसे राउंडेड हो सकती है, बिल्कुल गोल हो सकते हैं, या फिर अंडाकार ओवेट हो सकती है, या फिर दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल हो सकती है। तो उसको डायग्राम से देख सकते हो आप, बिल्कुल राउंड या गोलाकार हो सकती है इस टाइप से, या फिर ओवेट हो सकती है अंडाकार इस तरह से, या फिर एलिप्टिकल हो सकती है इस टाइप से, दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, ठीक है। तो शेप जो है वो वेरी करती रहती है इसकी। उसके बाद इसकी सीड या बीजों की बात कर लेते हैं, तो कपास का जो भार होता है वो ज़्यादातर बीजों की वजह से होता है। कितना होता है भाई, 65 से 70% तक, 65 से 70% भार जो है वो बीजों के कारण ही होता है, इसके सीड्स की वजह से ही होता है। और इसके बीजों के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, अभी 10 से 20% होती है, और इसमें तेल काफ़ी ज़्यादा होता है, अभी 25% ऑयल या तेल जो है वो इससे मिलता है, ठीक है। इसके बीजों को हम लोग आम भाषा के अंदर क्या बोल देते हैं भाई, बिनोला बोल देते हैं, ठीक है, सामान्य भाषा में, हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, बिनोला। अब एक टर्म आती है रुई या रोइंग, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं लिंट और फज। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, और टर्म जो है वो इंग्लिश में ही पूछते हैं, हिंदी में नहीं दी होती। तो लिंट और फज क्या होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए अभी। बीज का जो बाहरी आवरण होता है, सीड का जो आउटर कवर होता है, उसको बोलते हैं बीज चोल या सीड कॉट। तो सीड कोट की जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, या उसकी जो आउटर एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, ठीक है, उनसे आउटग्रोथ्स निकलती हैं या अतिवृद्धियां निकलती हैं, और यही अतिवृद्धियां जो हैं, ठीक है, वो लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं या लॉन्ग फाइबर्स के रूप में होती हैं, जिनको क्या बोल देते हैं, रुई या लिंट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो लंबे तंतु हैं या लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको रुई या लिंट कहते हैं, और जो छोटे साइज के फाइबर्स होते हैं या स्मॉल साइज के जो तंतु होते हैं उनको रोएं या फज बोल देते हैं, या फिर इनको लिंटर्स भी कहा जाता है। तो लिंट व फज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फाइबर्स हैं कॉटन के या कपास के जो तंतु हैं वो किसके बने होते हैं, अभी सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब एक टर्म आती है डी लिंटिंग या डी फजिंग,
डी का मतलब होता है हटाना या रिमूव करना। तो बीजों से रुई या रोएं को पृथक करने की जो प्रक्रिया है, यानी अगर अपने सीड से रुई या रोएं जो है या लिंट और फज जो है उसको अपने रिमूव कर दें या हटा दें, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, डी लिंटिंग या डी फजिंग कहलाती है। ठीक है, ये किस लिए होता है भाई, ये तब किया जाता है जब अपने बीजों को अंकुरित करवाते हैं या इनका जर्मिनेशन करवाते हैं सीड्स का, तो उसके लिए ये सब किया जाता है। इससे होगा क्या भी, जो जर्मिनेशन है या अंकुरण है वो शीघ्र होगा, ठीक है, फास्ट जर्मिनेशन होता है। इसके अलावा जो रोगजनक हैं उनके प्रतिरोधकता आएगी, ठीक है, पैथोजन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आती है। क्यों आती है भी, क्योंकि अगर मान लीजिए बीज की सरफेस के ऊपर तंतु उपस्थित हैं, है ना, फज या लिंट जो है उपस्थित है, तो उससे क्या होगा, बीज जो है वो मॉइस्चर को ग्रहण कर लेता है या नमी को ग्रहण कर लेता है, और नमी के अंदर जो जैसे कवक है, कवकों के जो बीजाणु वगैरह हैं वो आसानी से अंकुरित हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव या संवेदी हो जाता है रोगों के संक्रमण के लिए। तो अगर हम इस रुई को हटा देंगे, इन रोगों को हटा देंगे, तो क्या होगा, रोगजनकों के प्रति या पैथोजन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी डेवलप हो जाएगी, तो ये इसका फायदा होता है भाई। तो डी लिंटिंग या डी फजिंग के लिए हम लोग करते क्या, अभी हम लोग अमल जो है या एसिड जो है वो लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अमल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं या उपचारित करवाते हैं किसको, बीजों को, जिनको बिनोला भी कहा जाता है ना। अब ये जो रेशियो है अमल और बीजों का वो कितना रखना है हमें, 1:10 रखना है, यानी अमल जो है उसका एक भाग अगर हम ले रहे हैं तो 10 भाग हमें क्या लेना है, बीज लेने हैं या सीड लेने हैं। इसके फलस्वरूप होगा क्या, अभी जो बीज की सतह है उससे रेशे जो हैं वो हट जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, यानी डी लिंटिंग या डी फजिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके प्रजनन उद्देश्यों की या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो हम लोग कॉटन के अंदर या कपास में कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रजनन करवाते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं, तो सबसे पहला अधिक उपज या हायर यील्ड, अधिकांश फसलों के अंदर ये ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है। तो कपास के अंदर जो उपज है वो कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करती है, ये कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रति पौधा बॉल्स की संख्या, नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट, एक पौधे पर बॉल्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो ज़्यादा आएगी। बॉल का आकार, साइज ऑफ बॉल, बॉल जितना बड़ा होगा उतनी ही उसके अंदर रुई ज़्यादा होगी, ठीक है, और उतनी ही उपज हमारी ज़्यादा आएगी। बॉल पर धारियों की संख्या, ठीक है, जो लाइंस बनी होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑन बॉल। तो सामान्यतः क्या होता है, बॉल के ऊपर 3-5 धारियां होती हैं। आप लोग ध्यान से देखना, जो कॉटन की बॉल होती है, कपास की जो बॉल होती है उसके ऊपर धारियां होती हैं, लाइंस होती हैं, ठीक है, तो 3-5 तक हो सकती हैं ये, कम से कम 3 देखेंगे आपको और मैक्सिमम 5 देखेंगे। अब अगर सभी जो बॉल्स हैं उन पर 5 धारियां हों तो उनके अंदर जो रुई है या कॉटन जो है, कपास जो है, उसके अंदर वो ज़्यादा मात्रा में होगी, तो इसका मतलब उपज हमारी ज़्यादा आएगी। तो उन किस्मों की उपज अधिक होती है, उन वैरायटीज़ की जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी जिनमें पौधों पर 5 धारियों वाले बॉल्स की संख्या अधिक होती है, है ना। प्लांट्स के ऊपर अगर 5 लाइन्स वाली जो बॉल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो ज़्यादा यील्ड जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है प्रति बॉल रुई का प्रतिशत, ठीक है, लिंट परसेंटेज पर बॉल। तो रुई की मात्रा व रुई की जो गुणवत्ता है उसके अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। इसका क्या मतलब है, अगर हम रुई की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, और अगर हम रुई की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो रुई की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस तरह का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव रिलेशन या ऋणात्मक संबंध कहलाता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभी गिनिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं या इसको लिंट परसेंट भी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, गिनिंग परसेंट और लिंट परसेंट इज इक्वल टू रेशे का वजन कितना है डिवाइडेड बाय कपास का भार इनटू 100, ठीक है। अब देखो कपास हम कब बोलेंगे, कॉटन कब बोलेंगे, रेशे प्लस बीज, मतलब उसके अंदर रुई भी हो प्लस बीज भी हो उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे कॉटन या कपास। और रेशे का वजन, इसका मतलब इसके अंदर बीज नहीं है सिर्फ रुई है, तो रुई का वजन हो जाएगा डिवाइडेड बाय कपास का भार हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। तो इससे हम लोग गिनिंग परसेंटेज या लिंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। और क्वालिटी
और क्वांटिटी यानी गुणवत्ता और मात्रा के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। गुणवत्ता को अगर अपने बढ़ाना चाहते हैं तो मात्रा कम हो जाएगी, और अगर मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो गुणवत्ता या क्वालिटी कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है हमारा वो रहता है शीघ्र परिपक्वता या अर्ली मैच्योरेशन। तो कपास के अंदर जो पुष्पन है या फ्लावरिंग है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। अनिश्चित होने का क्या मतलब है, अभी जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग टाइम पर निकलते हैं, जो पुष्प हैं वो कपास के अंदर अलग अलग समय पर निकलते हैं, तो इसका मतलब हमें जो हार्वेस्टिंग है वो अलग अलग टाइम पर करनी पड़ेगी। तो कपास के अंदर हम लोग नॉर्मली दो बार चुगाई करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं उसकी, तीसरी बार हम लोग बॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो बॉल्स होती हैं या फल होता है उसका कैप्सूल होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि बाद में उसके खिलने के बाद उससे रुई जो है उसको अलग किया जा सके या सेपरेट किया जा सके, ठीक है। तो दो से तीन बार हमें अलग अलग टाइम पर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। किस वजह से, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इसके अंदर पुष्पन जो है वो अनिश्चित होता है, यानी कि सभी के सभी फ्लावर्स एक ही समय पर नहीं निकलते हैं बल्कि अलग अलग समय पर निकलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो बॉल सेटिंग है, बॉल सेटिंग का मतलब क्या होता है, बॉल का बनना। बॉल सेटिंग कुछ समय तक चलती रहती है, तो जब तक बॉल सेटिंग चलेगी तब तक हमें दो या दो से तीन बार हम लोग हार्वेस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अर्ली मैच्योरेशन या शीघ्र परिपक्वता जो है उससे क्या फायदा होगा या क्या लाभ होगा, फसल चक्र को अपना सकते हैं। नॉर्मली जो कपास होती है वो 160 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है, अभी जो वैरायटीज हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, लेकिन जो पहले वाली वैरायटीज थी वो 260 दिन का टाइम ले जाती थी। 260 दिन का मतलब क्या है, लगभग एक वर्ष के पास ही पहुंच गया, 8 से 10 महीने। इसका मतलब हम लोग फसल चक्कर नहीं अपना सकते थे। तो अगर हम अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज को डेवलप करेंगे तो हम आसानी से फसल चक्कर या क्रॉप रोटेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक से अधिक फसलें ले सकते हैं, है ना, मोर देन वन क्रॉप्स अगर अपने कॉटन की लेना चाहते हैं तो वो भी हम लोग ले सकते हैं, अगर हम अर्ली मैच्योरेशन वैरायटीज को डेवलप करें तो। इसके अलावा और क्या होगा भी, रोग व कीटों के आक्रमण से बचाव। कुछ डिजीज एंड इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही अटैक करेंगे, तो अगर हम उससे उस सीजन आने से पहले ही हार्वेस्टिंग कर लें कॉटन की या कपास की तो उसको उससे हम लोग बच सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अभी, एस्केप या अवॉइडेंस, यानी हमने डिजीज को या इंसेक्ट को एस्केप कर दिया है या उसको अवॉइड कर दिया है, ठीक है। तो ये तीन मेन बेनिफिट होते हैं या लाभ होते हैं अर्ली मैच्योरेशन के। तो अर्ली मैच्योरेशन वैरायटीज को डेवलप करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है ग्रेस्य की गुणवत्ता या फाइबर क्वालिटी। तो कॉटन का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है या प्राथमिक उत्पाद है वो क्या होता है भाई, रुई, ठीक है, या इसको लिंट बोल देते हैं। और इसका सेकेंडरी जो उत्पाद है या द्वितीयक उत्पाद कौन कौन से होते हैं इसके, बिनोला, है ना, यानी इसका जो बीज होता है। इसके अलावा तेल, अगर अपने बिनोला जो है इससे क्या निकालेंगे, तेल निकालेंगे, बीजों से तेल निकाल सकते हैं। और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, खल कहलाता है, केक, ठीक है। तो ये इसके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं या द्वितीयक उत्पाद हैं, लेकिन जो प्राथमिक उत्पाद है वो क्या है, रुई है या लिंट है। तो रेशे की जो गुणवत्ता है या फाइबर की जो क्वालिटी है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। सबसे पहला कि लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है फाइबर की। फाइबर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा गुणवत्ता मानी जाएगी। मजबूती या स्ट्रेंथ, जो फाइबर है वो कितनी आसानी से टूटता है या कितनी मुश्किल से टूटता है। अगर वो मुश्किल से टूटेगा तो उसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मजबूती ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्वालिटी ज़्यादा होगी। और अगर वो आसानी से टूट जाता है तो मजबूती कम है, इसका मतलब क्वालिटी कम होगी। इसके बाद है बारीकपन या फाइननेस। जितना ज़्यादा बारीक फाइबर होगा या रेशा होगा उतनी ही कपास की गुणवत्ता अधिक मानी जाती है, ठीक है। तो ये तीन कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो कि इसकी गुणवत्ता या क्वालिटी से संबंधित होते हैं। तो लंबे रेशे वाली कपास का रेशा ही बारीक होता है, यानी अगर हम बारीक रेशा लेना चाहते हैं, फाइन फाइबर चाहते हैं, तो जो कॉटन है वो कैसी होनी चाहिए,
लंबे रेशे वाली होनी चाहिए, यानी उसका रेशा कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए या लॉन्ग फाइबर होना चाहिए, तभी वो बारीक हो सकता है या फाइन हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एक टर्म आती है काउंट नंबर, और काउंट्स नंबर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो क्या होता है भी, एक पौंड रुई, एक पौंड के अंदर लगभग 400 कुछ ग्राम होते हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितने होते हैं। एक पौंड रुई से 840 गज लंबाई के बनने वाले धागों की संख्या, 840 गज लंबाई के हम लोग कितनी कितने धागे बना सकते हैं, ठीक है। उसको क्या, गज जो है वो मीटर को कहा जाता है, ठीक है। 840 मीटर लंबाई के हम लोग कितने धागे बना सकते हैं, उनकी जो संख्या है वो क्या कहलाती है, काउंट्स नंबर कहलाता है। और कपास की गुणवत्ता व काउंट्स नंबर में धनात्मक संबंध होता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है भाई, काउंट नंबर्स जितना ज़्यादा होगा कपास की गुणवत्ता या कॉटन की क्वालिटी उतनी ही अधिक होगी। तो इन दोनों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है या धनात्मक संबंध है। तो इस टेबल के अंदर आप लोग देख सकते हो भी, रेशे की लंबाई लेंथ ऑफ फाइबर अगर कम है तो काउंट नंबर कितना होगा, 30 से कम होगा। और अगर रेशे की लंबाई कम है तो इसका मतलब क्या हुआ भी, गुणवत्ता कम होगी। तो देख सकते हो आप, काउंट नंबर कम है, 30 से नीचे है, तो इसका मतलब गुणवत्ता कम होगी। रेशे की लंबाई अगर मध्यम है तो काउंट नंबर 30 से 50 हो सकता है, और अगर रेशे की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो 50 से अधिक तक काउंट नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, रेशे की लंबाई दी जा सकती है कि कम है तो कितने काउंट्स नंबर बनेंगे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है भी, कॉटन की एक स्पीसीज है गॉसिपियम बारबिडेंस, ठीक है, फोर्थ स्पीसीज जो मैंने आपको बताई थी। 1947 के अंदर 1947 में इसकी एक किस्म को विकसित किया गया था जिसका नाम है सुविन, और सुविन किस्म का नाम ध्यान में रखना है भी, जिसका काउंट नंबर्स, काउंट्स नंबर कितना होता है भी, 120 होता है, 120, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। यह भारत की अब तक की सबसे बारीक कपास है ना। इंडिया के अंदर जितने भी कॉटन्स को हम लोग उगाते हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट या बारीक जो कॉटन है या कपास है वो कौन सी है, यही सुविन वेराइटी जो है गॉसिपियम बारबिडेंस की वो है, ठीक है। आज जो है इसकी, इसका जो कल्टिवेशन है आज भी किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है अभी, तमिलनाडु स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत में तमिलनाडु राज्य में आज भी इसकी खेती जो है वो की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अभी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि सुविन जो है वो किसकी किस्म है, ठीक है, और इसका काउंट्स नंबर कितना होता है, और इसका इसकी मतलब खास बात क्या होती है या इसका गुण क्या होता है सुविन का, है ना। तो ये आपको बता देना है। रेशे की मजबूती व उपज में ऋणात्मक संबंध होता है, इसका मतलब अगर हम फाइबर या रेशे को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो रेशे की जो मजबूती है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों में नेगेटिव रिलेशन है या ऋणात्मक संबंध है। तो आप देख सकते हो उपज या यील्ड जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मजबूती या स्ट्रेंथ की। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है भाई, रोगरोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो जो देसी कपास होती है या देसी कॉटन जो है उसके अंदर जो डिजीज़ हैं, हार्मफुल डिजीज़ या हानिकारक रोग जो हैं उनका ज़्यादा अटैक नहीं होता है या बहुत ही कम आक्रमण होता है, संक्रमण होता है, लेकिन जो अमेरिकन कॉटन है वो बहुत ज़्यादा संवेदी या सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अमेरिकन कॉटन पर सबसे अधिक अटैक होता है या आक्रमण होता है रोगों का। तो कौन कौन से रोग हैं भाई, रूट रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, है ना, अर्ली लीफ ब्लाइट बोल देते हैं इसको, ग्रे मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये कुछ रोग या डिजीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसको, अमेरिकन कॉटन या अमेरिकन कपास को। तो इन रोगों के प्रति रोधी किस्में विकसित करना हमारा एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल वही बात है, देसी कॉटन के अंदर जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं या हानिकारक कीट हैं उनका ज़्यादा अटैक नहीं होता है, आक्रमण नहीं होता है, लेकिन जो अमेरिकन कॉटन है या अमेरिकन कपास है वो सबसे ज़्यादा संक्रमित होती है कीटों के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। अब कपास की जो फसल है या कॉटन की जो क्रॉप है उसमें
जो मेन बैरियर होता है या मुख्य बाधा होती है वो क्या होती है भाई, कीट प्रकोप या इंसेक्ट अटैक। ठीक है, इंसेक्ट से अगर हम अपनी कॉटन की कपास को या फसल को बचा लेते हैं तो जो यील्ड या उपज है वो अच्छी खासी हमें मिल जाती है और बढ़िया क्वालिटी की होती है। लेकिन अगर इंसेक्ट का अटैक हो गया तो हम उसको नहीं बचा सकते। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 1300 कीट प्रजातियां या 1300 इंसेक्ट स्पीसीज जो हैं वो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, है ना, 1300 पहुंचाती हैं। और इंडिया के अंदर इन 1300 में से 130 कीट प्रजातियां हैं या 130 इंसेक्ट स्पीसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैरायटीज हैं इंसेक्ट्स की जो कॉटन की क्रॉप को अफेक्ट करती हैं या प्रभावित करती हैं। इंसेक्टा जो क्लास है आर्थ्रोपोडा, आपने सुना होगा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, फाइलम के अंदर एक क्लास आती है या एक वर्ग आता है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं या गण आते हैं, उसमें से एक गण है लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा जो गण है या ऑर्डर है इसकी 6 जातियां है ना, इसके अंदर 6 स्पीसीज आती हैं इंसेक्ट स्पीसीज या कीट जातियां आती हैं। उनकी जो सुंडी होती है, सुंडी का मतलब यहाँ पे लार्वा से है, ठीक है, तो 6 जातियों का जो लार्वा है वो कपास में आर्थिक हानि पहुंचाता है, यानी जो इकोनॉमिक लॉस होता है कपास के अंदर प्रति हेक्टेयर जो उपज में कमी आती है वो इन्हीं 6 जातियों की सुंडी या इनके लार्वा से आती है। ठीक है, अब कपास के अंदर जो मुख्य नाशी कीट हैं या मेन जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अभी 4 हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है बॉलवर्म, दूसरा है एफिड्स, तीसरा है वाइट फ्लाई और चौथा है लीफ रोलर। तो इन चारों के प्रति हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज जो हैं वो डेवलप करनी होंगी, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो हमने जो बीटी कॉटन को डेवलप किया है वो बॉलवर्म के प्रति हमें रेजिस्टेंट डेवलप या रेजिस्टेंट देती है या प्रतिरोधकता देती है, तो बॉलवर्म का अटैक नहीं होता है बीटी कॉटन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमें और भी कई वैरायटीज डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि इन इंसेक्ट से हमारी फसल या क्रॉप को बचा सके। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स। तो कौन कौन सी ब्रीडिंग मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं भाई, सबसे पहला है पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो इंडिया में 2 वैरायटीज या 2 किस्मों का इंट्रोडक्शन किया गया है कपास की। एक आती है अमेरिकी ऊपरी भूमि प्रारूप, या इसको बोल देते हैं अमेरिकन अपलैंड कॉटन या अपलैंड टाइप्स भी बोल देते हैं, और दूसरी वैरायटी है कंबोडियाई प्रारूप या कंबोडियन टाइप्स भी बोल देते हैं। तो ये 2 वैरायटीज या 2 किस्में हैं जो कि इंडिया के अंदर इनका इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन किया गया है। ठीक है, और इनसे फिर और ज़्यादा नई वैरायटीज डेवलप की गई हैं सिलेक्शन या वरण के द्वारा। तो ये पहली मेथड है ब्रीडिंग मेथड या प्रजनन विधि जो कि कॉटन के अंदर यूज की जाती है। दूसरा है भी वरण या सिलेक्शन। तो कॉटन या कपास में क्या किया जाता है भी, एकल पादप वरण द्वारा यानी इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन के द्वारा बहुत सारी वैरायटीज को डेवलप किया गया है। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी, पंजाब अमेरिकन 1 है, कंबोडिया कॉटन 1 या इसको CC1 के नाम से भी जाना जाता है, कंबोडिया कॉटन 2 या CC2 के नाम से भी जाना जाता है, गड्डग 1, ठीक है, बाडी 107 एंड 320F। तो ये कुछ वैरायटीज या किस्में हैं जिनको सिलेक्शन या वरण के द्वारा कॉटन के अंदर डेवलप किया गया है। इसके अलावा मास सिलेक्शन या समूह वरण के द्वारा भी कुछ किस्मों को विकसित किया गया है। तो ये कौन कौन सी किस्में हैं अभी, धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी, ठीक है, या धारवाड़ बोल देते हैं इसको हिंदी के अंदर, धारवाड़ अमेरिकन किस्म। इसके अलावा दोदाहटी लोकल वैरायटी MCU1, गोघारी A26 और BD8। तो ये कुछ किस्में हैं जो कि मास सिलेक्शन या समूह वरण के द्वारा विकसित की गई हैं कपास के अंदर, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट आती है अभी संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के द्वारा एक किस्म डेवलप की गई है CO4। तो CO4 किस्म को डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए 2 किस्मों के मध्य हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाया गया। CO2 का क्रॉस करवाया गया किसके साथ, A12 या A12 के साथ, और CO4 नाम की किस्म को डेवलप किया गया या विकसित किया गया।
उसी तरह से लक्ष्मी नाम की किस्म को डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है, तो इसके लिए दो किस्मों के मध्य संकरण करवाया गया। गड्डग वन का क्रॉस करवाया गया किसके साथ, सीसी टू के साथ, ठीक है, कंबोडिया कॉटन टू के साथ क्रॉस करवाया गया गड्डग वन का, और लक्ष्मी किस्म को डेवलप किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो रेशे की मजबूती व बारीकपन को बढ़ाने के लिए, है ना, अगर हम चाहते हैं कि जो कॉटन का फाइबर है या रेशा है वो मजबूत हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, इसके अलावा उसकी जो फाइननेस है या बारीकपन वो भी इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, जंगली जाति के साथ या वाइल्ड स्पीसीज के साथ। तो हम लोग गॉसिपियम अर्बोरियम नाम की कल्टीवेटेड स्पीसीज है, इसका क्रॉस करवाया जंगली जाति या वाइल्ड स्पीसीज गॉसिपियम एमोमेलम के साथ, ठीक है। तो गॉसिपियम एनोमेलम का क्रॉस गॉसिपियम अर्बोरियम से करवाया और हमने एक हाइब्रिड या संकर जो है वो विकसित किया। गॉसिपियम हिर्सुटम, ये भी क्या है, अभी एक कृष्य जाति है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है, इसकी एक वैरायटी होती है MCU1, इसका क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया गॉसिपियम बारबिडेंस की एक किस्म के साथ या एक वैरायटी के साथ, उसका नाम अब इंफॉर्मेशन में नहीं है, और एक नई वैरायटी या किस्म डेवलप की गई जिसका नाम क्या है अभी MCU2। तो आप लोग देख सकते हो गॉसिपियम हिर्सुटम से MCU1 वैरायटी लेकर गॉसिपियम बारबिडेंस की एक वैरायटी के साथ इसका क्रॉस करवाया गया और MCU2 किस्म जो है उसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट मेथड आती है अभी उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन के द्वारा भी कुछ वैरायटीज को कपास में विकसित किया गया है, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है इंदौर 2 और दूसरा MCU नाम से दो वैरायटीज हैं, MCU7 एंड MCU10। तो इनके नाम ध्यान में रखने हैं अभी आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी BT कपास या BT कॉटन। तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से डेवलप किया गया है, अनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है या विकसित किया गया है, और ये किसके प्रति रोधिता देती है, अभी बॉलवर्म के प्रति रोधी होती है, ठीक है। बॉलवर्म एक इंसेक्ट है, उसका जो लार्वा है, ठीक है, या सुंडी जिसको हम लोग बोल देते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कॉटन की बॉल्स जो है उसको नष्ट कर देती है खाके, ठीक है, जिसकी वजह से उपज या यील्ड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बीटी कॉटन को उगाते हैं तो बॉलवर्म के प्रति हमें रेजिस्टेंट मिल जाती है। तो दो हैं वैरायटीज इसके अंदर, बीकानेरी नरमा जिसको बोलते हैं, एक है NHH4। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।